हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नूरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन यखनी पुलाव मेरे स्टाइल में। उसे बनाने के लिए हम लेंगे एक पतीली, उसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, फिर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक इसी तरीके का होना चाहिए। अब हम ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर, और फिर हम ऐड करेंगे पानी और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दूसरी तरफ अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक बड़ी पतीली, उसके अंदर हम ऐड करेंगे तेल। अब ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, फूल, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, जीरा, अखी काली मिर्च और जावित्री। ये सब हम डाल देंगे तेल के अंदर, और उसे फास्ट नहीं रखना है वरना आपके सब अखे मसाले जल जाएंगे। उसे धीरे धीरे चलाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज को ऐड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अखा मसाला जले ना, सिर्फ उसकी खुशबू आनी चाहिए। अब हम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें हम लिए लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे, और फिर उसे हमारे प्याज के अंदर डाल देंगे। प्याज देखिए गाइस, ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, और फिर हम उसे दाल के पेस्ट को अच्छी तरह से चला लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और फिर उसे अच्छे से पकाएंगे। फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। धीरे धीरे ऐड करना है, मतलब दो दो मिनट का प्रोसीजर होना चाहिए, हमें धीरे धीरे ऐड करना है। अभी जैसे मसाला थोड़ा पकने लगेगा, तेल छूटने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक के बाद हम इधर अपने चिकन को देखेंगे, और उस चिकन को हम 50% ही पकने देंगे। फिर हम उसे एक बॉल में निकाल लेंगे और छान लेंगे अच्छे से, और इसका स्ट्रोक हम फेंकेंगे नहीं, रखे रहेंगे। अब हम अपने मसाले में ऐड करेंगे गरम मसाला। उसे अच्छी तरह से भुनने के बाद हम ऐड करेंगे हमारे चिकन, ये 50% ही पकाना है हमें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोथमीर और पुदीना, उसे डाल के अच्छे से चला लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में, इसके लिए हम डाल रहे हैं। और फिर इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। इसे हम मैंने 15-20 मिनट तक भीगने के लिए रख दिया था। अब हम इधर अपने वही चिकन का स्टॉक डालेंगे जो हमने बचा के रखे थे, और अगर कम लग रहा है तो हम थोड़ा और ऊपर से पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे चावल, और फिर उसे अच्छी तरह से चला लेंगे और उसे ढक देंगे। ढकने के बाद हम देखेंगे हमारा चावल किस तरह हुआ है। ये देखिए गाइस, हमारा चावल 50% तक पक चुका है अच्छी तरीके से। देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे गार्निश के लिए कोथमीर और पुदीना, और इसे अब हम स्टीम देंगे 15-20 मिनट तक। तो गाइस देखिए, हमारा चिकन यखनी पुलाव रेडी हो गया है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी चिकन यखनी पुलाव घर में ज़रूर ट्राई करना। ओके।